जी सर, काज करने के लिए बताएंगे आज। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज की इस अमृत कलश यात्रा के बारे में हमारा स्कूल जो है वो पार्टिसिपेट किया। और सबसे आपको बता दूं कि ये अभी रिसेंटली हमें CBSE से सर्कुलर आया था जिसमें बच्चों के साथ एक झांकी निकालनी थी। एक्चुअली मोदी जी, हमारा जो केंद्र सरकार है वो दो चीज़ों पे फोकस है, एक तो किसान और दूसरा जवान, क्योंकि किसान तो हमारे बीच में है और जवान तो हमारे बीच में है भी, और कई तो हमारे बीच नहीं भी रहे क्योंकि देश सेवा को लेकर समर्पित हो गए। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए हमारे केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है अमृत कलश के माध्यम से, मेरी माटी मेरा देश। इसका मतलब यह है कि जितने भी वीर वीरांगनाएं अब तक जो शहीद हुए हैं या बॉर्डर पे काम कर रहे हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग गांवों से, शहरों से, कस्बों से मिट्टी कलेक्ट की जा रही है और इनको दिल्ली भेजा जाएगा, वहाँ वॉर मेमोरियल बन रहा है और ये स्मृति चिन्ह के रूप में एक भवन बनाया जा रहा है। तो छोटी छोटी सहभागिता सभी सरकार ने सभी राज्यों से मांगी है और इसमें स्कूलों की भागीदारी को स्पष्ट रूप से ये किया है। तो आज हम जी मैम नमस्ते, आई एम मोनाली गुप्ता फ्रॉम वेव इंटरनेशनल स्कूल CTR टटखाड़ी। Today we have gathered here, we the teachers and students of this school gathered here to remember the martyrs, their role in making our India this much achievable that we are living in this India. Here we have gathered to collect the mitti from all the places that we are living here, and we are living our life today. We are surviving in this mitti, and just it's a program launched by the central government and it is mainly basically followed by the CBSE under the guidance of central government. And here we are continuing this program so that our students, especially we also learned a lot of things from these program. So our students basically learn this thing, ki what is the importance of martyrs in our life. Thank you.